ग्रामोत्कर्ष जन कल्याण परिषद चंबा की बैठक का आयोजन चंबा के होटल इरावती में किया गया। इस दौरान चंबा के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान चंबा के प्राचीन चंपावती मंदिर की रिपेयर और रिस्टोरेशन कार्य को लेकर सरकार से मांग की गई। वहीं इस दौरान चंबा अस्पताल में स्टाफ की कमी, HRTC की राइड विद प्राइड का किराया दोगुना होने पर विरोध जाहिर किया गया। पुरी अध्यक्ष हिम्मत कर्ष जन कल्याण परिषद चंबा शाखा का अध्यक्ष हूँ। तो आज हम इस बैठक में, आज हमारी जो बैठक हो रही है वो जो हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं और पदाधिकारी हैं उनके बीच में बैठक हो रही है। तो कुछ चंबा के ज्वलंत मुद्दों के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें एक तो जो हमारी जो धरोहरें हैं, जैसे कि चंबा की चंपावती टेंपल की धरोहर है, हमारी बहुत पुराना टेंपल है, उसकी रिपेयर और रिस्टोरेशन के लिए हमने सरकार को लगभग 6 महीने पहले लिखा था और ASI को भी लिखा था। तो लेकिन उसके जो अभी उसके उपरांत ये पाया गया है कि अभी तक तो उस विषय में कंसर्न महकमे ने कोई एक्शन नहीं लिया है। दूसरा विषय आज ये डिस्कस करने हम जा रहे हैं जिसमें वो है कि ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा थी सीनियर सिटीजन्स के लिए या सिटी में बनाई गई थी, उसके जो एक तो किराए बढ़ा दिए गए हैं और जो जिस पर्पज़ के लिए वो बनाई गई थी तो उनको ठीक से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। तीसरा, जो यहाँ मेडिकल जो कॉलेज है उसकी जो जो प्रावधान थे, बजट प्रावधान वगैरह, वो बंद कर दिए हैं सरकार के द्वारा, हमने ऐसा पता लगा है। तो उसके बारे में हम ये कहें, क्योंकि जो सिविल वर्क्स भी बंद हो गए हैं तकरीबन, तो उसके बारे में भी एक सरकार से हम गुहार लगाएंगे कि एक जो आपने कॉलेज का जो आज 5 साल हो गए हैं, 5 साल में भी कॉलेज की अभी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है, तो अगर बिना प्रावधान के वो बिल्डिंग कैसे काम कैसे कंप्लीट होगा और लोगों को सुविधाएँ कैसे मिलेगी। तो उसके अलावा हम ये भी जो पार्किंग की डिफ़िकल्टीज यहाँ आ रही हैं, तो वो तो सदा की डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो उनको भी हम जो नए हमारे उपायुक्त महोदय आए हैं उनसे हम मिलकर एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा जिसमें उनको कुछ सुझाव भी दिए जाएंगे और इस सुविधा को और बढ़ाने के लिए और जल्दी से जल्दी जो पार्किंग की जो वगैरह शहर के आसपास बन भी रही है उनको भी जल्दी से पूरा करवाएं, और दूसरे सेटेलाइट पार्किंग्स वगैरह जो हैं उनका भी जगह चयनित करके उनको भी इस्टेब्लिश करें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और इस कंजेशन से हम छुटकारा पा सकें। और इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स की जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में जो सर्विसेज हैं वो अभी ठीक नहीं मिल रही हैं, तो उसके लिए भी हम अलग प्रावधान करवाने के लिए उनको मेडिकल कॉलेज को हम उनको भी अप्रोच करेंगे और इसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा भी कर रहे हैं अपनी मीटिंग में। और तथा एक हम अगले हफ्ते तक, अगले सप्ताह तक एक यहाँ पे बाल कवि सम्मेलन का एक आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें कि चंबा के जो यंग जो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनमें जो उनको कईयों को अपने कविता का काफ़ी जिनमें प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए कंपटीशन से करने के लिए हम ये कार्यक्रम अगले हफ्ते तक विदिन अगले 15 दिन के अंदर अंदर करवाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे ज़िला के जितने भी प्रतिभागी हैं उनको हम चांस देंगे इसमें पार्टिसिपेट करने का, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। और